जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे के दो जोन की तरफ से एएलपी टेक्नीशियन और जेई में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसका आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई आया हुआ है। एएलपी में आरआरबी चेंज होने के बाद अब टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसकी जानकारी हम 2 जून का इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए आए तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेवी का भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और भी कई सारी अपडेट्स हैं, चैनल पर विजिट करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर एएलपी का हमने स्टडी मटेरियल्स काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है। यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ अपलोड हुए हैं काफ़ी सारे, जा करके डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं आरआरबी का जो आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है उसके बारे में। पहला देखिए, ये आपको आरटीआई दिखाई दे रहा है जम्मू का। आरआरबी जम्मू का 28 अगस्त को आरटीआई किया गया था, आज 4 सितंबर है और आज इसका रिप्लाई आ चुका है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दिया गया सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन यानी कि एएलपी का, जिसमें टोटल 32,605 फॉर्म भरे गए हैं। आरआरबी चेंज होने के बाद 32,605 हुए हैं। यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 130 थी दोस्तों, जिसमें कंपटीशन अब देखिए तो 250 हो चुका है पर सीट पर। एक सीट पर 250 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो देखिए, पोस्ट कोड जो है 02/2024, जिसमें 87,093 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। सीटों की संख्या अगर आप देखिएगा तो पहले 256 थी, इसमें 430 सीट ऐड हो चुकी है नए वाले में, और उसके बाद यहां पर सीटों की संख्या 686 हो गई है दोस्तों। और आरआरबी चेंज करने का भी मौका मिलेगा इसको, तब आपको एक एग्जैक्ट आपको कंपटीशन पता चल पाएगा कि फिर आपको पता चलेगा उस समय कि कितने एप्लीकेशन हो पाए हैं। अभी तो 87,000 है, शायद बढ़ सकता है घट सकता है, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो है कंपटीशन, अभी देखा जाए तो कंपटीशन अभी 126 का है, इतना सीट बढ़ने के कारण। लेकिन अगर सीट बढ़ा हुआ है तो आरआरबी भी चेंज होगा, तो चेंज होगा तो ये सीट, ये फॉर्म भरने की संख्या और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ये कंपटीशन और भी बढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा जेई का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 03/2024 है, जिसमें टोटल 29,203 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। इसमें सीटों की संख्या देखिएगा तो 251 थी यहाँ पर, और यहाँ पर कंपटीशन 116 कैंडिडेट का है। ठीक है, यहाँ पे सीट बढ़े है कि नहीं अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन में आरआरबी चेंज होगा तो ये कंपटीशन आपका बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी कहना मुश्किल है, और वैसे भी टेक्नीशियन का ऐसे आप निकाल नहीं सकते हैं, ट्रेड वाइज अलग अलग होता है, लेकिन हम एक जो ओवरऑल है उसके आधार पर आपको बताए हैं। ठीक है, बाकी एक और है आपको ये बता देते हैं इसकी जानकारी, ये है सिलीगुड़ी का। यहाँ पर सिलीगुड़ी में देखिए तो एएलपी में टोटल 20,445 कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या मात्र 87 था, यहाँ पर 87। यहाँ पर अभी देखिएगा तो कंपटीशन 235 का है, और वहीं आप एएलपी में बात करें तो मात्र 5,193 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। सीटों की संख्या भी आप देखिए तो मात्र ज़्यादा नहीं है, मात्र 91 सीट है। यहाँ पर कंपटीशन भी देखिएगा तो यहाँ पर 57 कैंडिडेट का यहाँ पर एक सीट पर फाइट है। वहीं अगर आप जेई की बात करिएगा तो 2,553 टोटल यहाँ पर देखिए तो टोटल 2,553 ही फॉर्म भरे गए हैं, सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 28 है। और यहाँ पर देखिए कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 91 तक है, और इसके मुकाबले देखिए तो यहाँ पर 116 का कंपटीशन है, जबकि यहाँ पर कंपटीशन 91 का ही है। ठीक है, बाकी ये था। और देखिए एक बात, यहाँ पर आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर न जाने क्या होगा, मात्र 91 सीट है, सीट बढ़ा नहीं है, और यहाँ पर उतना जो है अभी कंपटीशन इतना ही है, शायद आगे बढ़ जाए, आगे क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एएलपी में ये आरआरबी चेंज होने के बाद कंपटीशन यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी हेल्पफुल हुई होगी, और भी कहीं से आरटीआई रिप्लाई आता है तो आपको अपडेट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो टेलीग्राम पर तो हम काफ़ी सारे अपडेट्स देते रहते हैं, नेवी का हो या और भी कई सारे एग्जाम से एएलपी टेक्नीशियन का, हम यहाँ पर टेस्ट अपलोड करते रहते, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा तो लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। और ये कोर्स आप सभी के एएलपी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बेहतर है, टेक्नीशियन का भी है, टेक्नीशियन में जाकर के टेक्नीशियन वाले ज्वाइन कर लीजिएगा, प्राइस इतना कम है कि कोई भी ले सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।